हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल यसी क्रिएटिव कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ में बहुत ही जल्दी बनने वाली ब्रेकफास्ट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही जल्दी बनती है और हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी रहती है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे सूजी का नमकीन हलवा कैसे बनाया जाता है। इसके लिए हमें एक कटोरी रवा चाहिए, एक प्याज बारीक कटा हुआ, दो टमाटर छोटे छोटे पीसेस में कटे हुए, थोड़े से सरसों के दाने, नमक और एक हरी मिर्च। सो फ्रेंड्स, इन सारी चीज़ों के साथ में अब हम नमकीन हलवा बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमने कढ़ाई को गर्म करने के लिए गैस पे रख दिया है, और जैसे ही हमारी कढ़ाई गर्म हो जाएगी उसमें हमें थोड़ा सा सबसे पहले सरसों का तेल डालना है। इसकी जगह पे आप घी या रिफाइंड का भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने वैसे सरसों के तेल का इस्तेमाल किया है। और इसमें हमें ये रवा डाल देना है, और रवे को हल्का हमें भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, लाइट हमें भूनना है। और इस तरह से बस 4 या 5 मिनट तक आप भूनेंगे और हमारा रवा भून के तैयार हो जाएगा। आप इसको हम कटोरी में निकाल के रख लेंगे, और फिर से हमने कढ़ाई में थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाला है, और इस पे हम मस्टर्ड सीड्स डालेंगे। ये सरसों के जो दाने हैं इन्हें हम चटकने के लिए डालेंगे, और जैसे ही हमारे दाने चटक जाएंगे इस पे हमको ये जो हमने प्याज काट के रखा है बारीक बारीक सा, इसे डालना है, और इसे भी थोड़ी देर तक हमें भूनना है। 3 से 4 मिनट तक इसे हम इस तरह से चलाते रहेंगे और हमारे ये जो प्याज है वो आराम से भून जाएगा। और जैसे ये हल्का हल्का सा गोल्डन होने लगे अब हम इसमें टमाटर डाल लें, और टमाटर को डाल के इस तरह से हम थोड़ी देर तक 1-2 बार चलाएंगे, और इसी टाइम पे हमें इसमें ये हरी मिर्च डाल देनी है। और हमें टमाटर को जल्दी से पकाने के लिए इसमें इसी टाइम पे अगर हम नमक डाल देंगे तो हमारा टमाटर जल्दी से पक जाएगा। तो इसमें हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालते हैं। तो इतने रवे के हलवे बनाने के लिए हमें 1 टी स्पून नमक सही रहेगा, इतना ही हमें डालना है। और इस तरह से चलाएंगे तो हमारा टमाटर देखिए जल्दी से ही पक गया है, और अब हम इसमें ये रवा डाल देंगे जो हमने भून के रख लिया था। तो इसको इस तरह से डालेंगे, और थोड़ा सा चलाने के बाद में हम इसमें पानी मिलाएंगे। पानी हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है, और पानी की क्वांटिटी हमें थोड़ा ज़्यादा ही रखनी है, क्योंकि पानी कम रहने से फिर अच्छी तरह से सूजी जो होती है वो पक नहीं पाती है, और हलवा थोड़ा सा कच्चा कच्चा सा लगता है, तो वो फिर सही नहीं रहता है। तो पानी की मात्रा थोड़ा सा ज़्यादा ही डालनी है, कम नहीं करना है हमें। और इस तरह से 3 से 4 मिनट तक पकाने से ये हलवा एकदम बन के तैयार हो जाएगा। और आप देख लीजिए इस तरीके से जब हमारा हलवा हो जाएगा, ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं है और बहुत ज़्यादा सूखा भी नहीं है, तब हम गैस को बंद कर देंगे और 1-2 बार इस तरह से कढ़ाई पे चला देंगे, और लास्ट में इसे हमें प्लेट पे सर्व कर लेना है। और इसे हमें गरम गरम ही खाना है, क्योंकि गरम खाने पर इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा रहता है। सो फ्रेंड्स, देखिए हलवा बन के तैयार हो गया है। तो ये मेरे चैनल पर कुकिंग से रिलेटेड मेरी फर्स्ट वीडियो है, तो आप बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और ये रेसिपी कैसी लगी आपको। ये बहुत ही जल्दी बनने वाली डिश है, तो आप भी प्लीज़ से बनाइएगा और टेस्ट करके देखिएगा कि आपको कैसी लगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।